आपको सैकड़ों जो हमारे दिल्ली में गरीब कैंसर पेशेंट्स हैं और जो लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं, उनके इलाज के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। अभी 20-25 दिन पहले लॉकडाउन के दौरान, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो वो दिल्ली पुलिस ने कोई 30-35 जो है क्रिटिकल गरीब कैंसर पेशेंट्स को शाहदरा के एरिया से उन्होंने पिकअप किया उसको, और उनको जो है ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है शाहदरा के अंदर, गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें उनको लाके जो है रखा, और कोई 8-10 दिन रखने के बाद उनको, 30 या 35 थे वो क्रिटिकल पेशेंट्स, उनको जो है मंगल पांडे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल जो विवेक विहार में है वहां पर उनको भेज दिया। और उसके बाद क्या हुआ है कि लगभग एक हफ्ते पहले 30-35 में से कोई लगभग जो है 5-6 जो पेशेंट्स थे काफी क्रिटिकल थे, एक पेशेंट को तो दूध पिलाया गया तो उसका जो गाल था उसमें से दूध निकल आया, उसके नाक से दूध निकल आया, इतनी बुरी हालत थी। 5-6 पेशेंट्स को मध्य प्रदेश भेज दिया है, और अभी भी काफी पेशेंट जो हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि आज की तारीख में 19 पेशेंट जो है वो मंगल पांडे स्कूल के अंदर हैं। जो लोग भेज दिए गए दिल्ली से बाहर दिल्ली सरकार ने, उनका इलाज भी नहीं हुआ, और जो आज 19 लोग मंगल पांडे स्कूल के अंदर है उनका भी कैंसर के बारे में कोई इलाज नहीं हो रहा, और सरकार ये कोशिश कर रही है कि उनको जल्दी से जल्दी दिल्ली से बाहर भेज दिया जाए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन सब पेशेंट्स को इलाज चाहिए था, और इलाज बगैर ही उनको रखा हुआ है, और इलाज बगैर ही उनको दिल्ली से बाहर भेजा गया है। तो मेरा समझ ये है कि क्योंकि वो क्रिटिकल पेशेंट है, और बाहर भी हम सब लोग जानते हैं कि कितनी सुविधा उनको मिल सकती है, और सुविधा नहीं थी तभी वो दिल्ली में आके अपना इलाज करा रहे थे, तो उनकी तरफ ध्यान ना देने से जो है हो सकता है कि वो करीब करीब सब लोग जो है उनकी मौतें हो जाएं। दूसरा ये कि दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है कोई 20-22 अप्रैल के आसपास जो है वहाँ पे कुछ कोविड इन्फेक्टेड जो है एम्प्लॉइज मिले तो उसको बंद कर दिया गया। उसमें जो सैकड़ों लोग अपना इलाज करा रहे थे और काफ़ी क्रिटिकल थे वो भी, उनका क्या हुआ? दूसरी तरीके से दूसरे और भी जो कई हॉस्पिटल जैसे लोकनायक हॉस्पिटल है वहाँ से भी उनको कोविड हॉस्पिटल बना दिया, एम्स को कोविड हॉस्पिटल बना दिया। तो इस तरीके से दिल्ली में सैकड़ों पेशेंट्स जो इन हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराते थे कैंसर्स का, वो सब जो है ना बेइलाज हो गए हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, कोई भी सुविधा उनको कहीं नजर नहीं आ रही है, और दिल्ली सरकार कहीं भी उनको ये नहीं बता पा रही है कि ठीक है वो कुछ हॉस्पिटल को आपने कोविड डिक्लेयर कर दिया, या दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट किसी वजह से टेम्परेरली बंद हो गया या पता नहीं कितने दिन में खुलेगा, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है ये बताना कि ठीक है इस हॉस्पिटल में अब आपका इलाज नहीं हो सकता तो आपका दूसरी जगह इलाज हो सकता है, हैं? तो वो कहीं बता नहीं रहे हैं, कोई मुझे मतलब कहीं भी ऐसी सुविधा दिख नहीं रही है कि जहां वो जाके अपना इलाज कर लें। तो ये बहुत मतलब सीरियस मुद्दा है जिसपे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को है इसके ऊपर जो है अपना बताना चाहिए कि वो सारे कैंसर पेशेंट कहां जाएं जिनको आपने इसलिए मतलब इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो जिस जो हॉस्पिटल थे वो अब कोविड हो गए हैं है? या किसी और वजह से वहां से उनको हटा दिया गया है, है? तो चीज ये कहने का है कि एक तो वो पेशेंट जो बाहर से आए हुए थे और इस टाइम मंगल पांडे स्कूल के अंदर है उनको उनके इलाज किया जाए, और दूसरा ये कि जो दूसरे पेशेंट्स हैं गरीब लोग जो दूसरे हॉस्पिटलों से निकले हुए हैं उनकी भी इलाज की सुविधा जो है दिल्ली सरकार करे, क्योंकि